जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम कर जाती है। हो हो अपनों के नाम कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। इतने दिनों के बाद आपसे मिलने आई हूँ, पर क्या करें, काम में बहुत बिजी थे इसलिए वक्त ही नहीं मिल पाया आपसे मिलने का। ऐसी कौन सी बात थी जो बताने के लिए आप दौड़ी चली आ रही थी? मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है जिसे तृष्णा पल भर में पेपर साइन कर देगी। कैसे सब लोग हैं वहाँ पर? तुम्हारे पापा कैसे हैं? घर पर सब लोग ठीक है। वैसे मैं आप लोगों से मिलने नहीं, भाई साहब से मिलने आई हूँ। वो अपने कमरे में है, उनके कमरे में ही जाकर मिल लेती हूँ, मुझे उनसे ही जरूरी बात करनी। बहुत हो चुका, बहुत चुप रह ली। आज तक तृष्णा ने तलाक के पेपर पे साइन नहीं किया है और ये बात आज मैं भाई साहब को बताकर ही निर्णय लूंगी। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत करना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। माँ ये आप क्या कर रही हो? माँ इनके सामने आप हाथ जोड़ रही हैं, जिनका दिल कभी नहीं पिघल सकता, क्योंकि इनका दिल पत्थर का हो चुका है और इन्हें आपके आंसुओं से भी कुछ नहीं होने वाला। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। अपनी बहन को क्यों नहीं समझाती कि तलाक के पेपर्स पे साइन कर दे, और हमारे गले में जबरदस्ती पड़ी हुई है। आंटी जी, मेरी दीदी आपके गले नहीं पड़ी है। अगर आपको याद होगा तो आप उन्हें इसी घर से धूमधाम से शादी करके उन्हें अपनी बहू बनाकर लेकर गई थी। हमने आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। आकांक्षा बेटा तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूं ना। माँ आप इनसे क्या बात कर रही हैं? ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है, आप मुझे इनसे बात करने दीजिए। आकांक्षा चुप हो जाओ, बड़ों को बात करने दो। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं यहां किसी से बात करने नहीं आई, सिर्फ भाई साहब से करूं। अभी मुझे इन्हें कैसे भी करके रोकना ही होगा। इनके जाने के बाद मैं सोचूंगी कि क्या करना है। कल्याणी बहन, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी जिससे इस समस्या का अंत हो जाए। मुझे कौन सा उस दीपक से बात ही करनी है, मैं तो इन्हें धमकाने आई थी, अब ये डर गए हैं, ये तृष्णा से पेपर पर साइन लेकर ही लेंगे। बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपके हमेशा आभारी रहूंगी। Thank you.
आपके कहने से आपकी बात मान रही हूँ, वरना कल्याणी थोड़ा सब्र से काम लो। कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे दोनों परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरे घर में सुख शांति तो तभी आएगी जब तृष्णा अपूर्वा को तलाक दे देगी। और ये काम दो दिन में हो जाना चाहिए, वरना तीसरे दिन मुझे भाई साहब को बताने से भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। और ये बात जानने के बाद भाई साहब के ऊपर क्या बीतेगा ये तो आप लोग ही जानते। माँ, आपने मुझे क्यों रोका? मैं अभी इसी समय इनके साथ सारा हिसाब किताब बराबर कर देती। नहीं आकांक्षा, अभी भी तृष्णा उस घर की बहू है और वो उस घर में वापस जाएगी, इस बात की उम्मीद हमें नहीं छोड़नी चाहिए। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे तृष्णा को परेशानी उठानी पड़े। नहीं माँ, मैं तृष्णा दी को ये सब बताऊंगी ताकि वो भी इन लोगों का असली चेहरा देख सके। नहीं आकांक्षा, तुम तृष्णा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। हमें इस समस्या का कोई रास्ता निकालना होगा, एक ऐसा रास्ता जिससे तृष्णा को भी नुकसान ना हो और हमें भी। सुकन्या हमारी बेटियां। भगवान, आज हम आपसे हिम्मत मांगने आए, क्योंकि आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था कि शादी जैसा पवित्र बंध हमें इस तरह तोड़ना। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हर लड़की की तरह हमारा भी एक सपना था। कुछ अरमान थे हमारे और उन अरमानों के साथ हमने अपने ससुराल में कदम रखे थे। अपूर्व जैसा पति पाकर बहुत खुश थे, लेकिन फिर न जाने किसकी नजर लग गई हमारी जिंदगी, और आज हमें अपनी जिंदगी में ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर आपने हमारे लिए ये निर्णय लिया है तो जरूर इसमें हमारी कोई भलाई ही होगी, इसलिए आज हमने ये फैसला किया कि हम अपूर्व को इस शादी के बंधन से आजाद कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। बस आप हमें शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। Thank you.
माँ मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ बेटा, ये कुछ सामान है, राशन वालों को देना और कहना कि घर पर दे जाए। ठीक है माँ। माँ? हाँ? क्या बात है माँ, कहीं आप कल्याणी आंटी की बातों को लेकर? नहीं बेटा, कल्याणी बहन की बातों से नहीं, मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मल्लिका के खिलाफ कुछ करने की तैयारी कर रही है और हमसे छुपा रही है। माँ, भले मल्लिका हो या कल्याणी आंटी, इन लोगों ने इतने पाप किए हैं, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन भगवान इनको इनके किए की सजा जरूर देगा। देखो बेटा, भगवान जो करे सो करे, तुम्हें इन सब में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आपकी यही सोच मुझे कायर बना देगी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मल्लिका थापर और कल्याणी आंटी जैसे लोग हमेशा जीतते रहें और हम जैसे लोग हमेशा कमजोर होकर अपने आप को छुपाते रहे। आकांक्षा, मैं तुम्हें कायर नहीं, सतर्क करना चाहती हूँ, चाहे वो मल्लिका हो या कल्याणी। माँ, मैं बहुत मजबूत मिट्टी की बनी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आप तो बस मल्लिका के बर्बाद होने के दिन गिनना शुरू कर दीजिए। और रही बात कल्याणी आंटी की, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए भी मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। सुकन्या हमारी बेटियां। कृष्णा जी। बाबूजी, कहीं जा रही हो क्या बेटा? जी हाँ। कहाँ जा रही हो? हम वो माँ जी को पेपर देने जा रहे हैं। तो तुमने ये पेपर साइन कर दिए? जी। हम लोगों के मना करने के बावजूद? बाबूजी, हमने ये पेपर इसलिए साइन किए क्योंकि अपूर्व चाहते थे ऐसा। आप हमें इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप हमें इन पेपर्स पर साइन करने से मना कर रहे हैं। लेकिन एक बार आप अपूर्व के बारे में सोचें कि उन्हें इस रिश्ते से कितनी घुटन महसूस हो रही, कितनी तकलीफ हो रही है, तो शायद आप हमें इन पेपर्स पर साइन करने से मना नहीं करेंगे। इसलिए बाबूजी, आप हमें जाने दीजिए, क्योंकि ये अपूर्व की खुशियों का सवाल है। सबको खुशियां बांटते बांटते तुम कितनी अकेली रह गई हो तृष्णा, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। ठीक, अगर तुम्हारा यही निर्णय तुम्हें सही लगता है कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम पेपर मुझे दे दो, मैं खुद जाकर इसे कल्याणी को देकर आता हूं। आप
आप घर जाएंगे? हाँ बेटी, मैं जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम जाओगी तो कल्याणी से रहा नहीं जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तुमसे वो फिर से इस तरह की बातें करे। लेकिन बाबूजी, आपको भी तो माँ जी वो सब ना, उसने तुमसे कुछ भी कहने सुनने का अधिकार खुद खो दिया है, इसलिए तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी। मैं जाऊंगा ये पेपर्स लेके, दो मुझे दो पेपर्स, मैं इन्हें कल्याणी को देकर आता हूं, जाओ, तब तक तुम घर में जाओ। जी बाबूजी। हे बाबा भोलेनाथ, अब कोई चमत्कार ही मेरी तृष्णा बेटी की जिंदगी में खुशियां वापस ला सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि चमत्कार आज भी होते हैं। हेलो। हाँ, अरे यार, काम भी नहीं करना पड़ा और पैसा भी मिल गया। सॉरी, और पैसा मिल गया, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है यार। उस लड़के ने कपड़े कैसे पहन रखे थे? हमें अच्छे से याद है कि उस दिन उस आदमी ने ब्लू कलर की पैंट पहनी थी और स्काई ब्लू कलर की शर्ट। ए भगवान, मैंने जो पाप किए हैं, मेरे पापों को क्षमा करना। सुकन्या हमारी बेटियां। एक मिनट, केवल माफी मांगने से कुछ नहीं होता, प्रायश्चित भी करना पड़ता है। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, प्रायश्चित करने से ही मुक्ति संभव है, माफी मांगने भर से काम नहीं चलने वाला। लेकिन मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया? अरे, एक नेक दिल लड़की का घर उजाड़ा है, एक लड़की की शादीशुदा जिंदगी में तुमने आग लगाई है, उसको घर छोड़ने पर मजबूर किया। नहीं समझे? मैं याद दिलाता हूं तुम उस दिन नकली कुरियर वाले बन के किसी के घर गए थे ना, और उससे कहा था कि तुम्हें उसके घर का पता नहीं मिल रहा। जी, मैं सिटी कोरियर सर्विस से आया हूँ, ये कोरियर आपको वापस करने आया हूँ। हम लोग डिलीवरी करने गए थे, लेकिन जो एड्रेस आपने दिया था वो घर बंद था। जी देखिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, आप गलत पते पर आ गए हैं। जी नहीं, इस पार्सल पर यहीं का पता लिखा है, कोई तृष्णा मैडम ने इसे बुक किया था। याद आया ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी जी जी, नहीं, तो मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। रुको,
नहीं जानते? अच्छा तो मैं याद दिलाने की तरकीब बताता हूं, तो अभी याद आ जाएगा। मैं अभी पुलिस को बताता हूं, समझे? और पुलिस के डंडे के आगे तो अच्छे अच्छों को याद आ जाता। आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे मैं तो आपको जानता भी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती है क्या? और पुलिस पुलिस क्यों? नहीं जानते? मैं बताता हूं, जिसको तुमने झूठे कुरियर के केस में फंसाया है ना, उसके घर वाले पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहे हैं, और जब पुलिस पकड़ेगी तो उसको भी पकड़ेगी जिसने ये काम करवाया है, और साथ में तुमको भी पकड़ेगी। क्यों ना मैं यही पुलिस को बुला लूं और उसका काम आसान कर दूं? नहीं साहब, ऐसा मत करिए साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उठो और मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे। बताओगे ना? जी साहब, मैं सच सच बोलूंगा। अच्छी तरीके से समझ गए ना क्या काम करना है? जी। ये रहा वो पार्सल, और ये पार्सल सही समय पे यहाँ पहुंच जाना चाहिए, और ये इस बात का किसी को खबर तक नहीं होना चाहिए, समझे? जी समझ गया मैं। ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वहां पर लेके चलता हूँ, लेकिन वहां भी जाके तुम ये सब सच सच बोलोगे ना? जी साहब, मैं बोलूंगा साहब, जब कहेंगे जहाँ कहेंगे आप। और वहां जाकर अगर तुमने कुछ झूठ बोला तो? साहब मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए ज्यादा पैसे के लालच में मैंने ये सब किया, वरना मैं ये नहीं करता। अगर आज आप पुलिस ले आते तो मेरी माँ जीते जी मर जाती। नहीं साहब, मैं सच सच बोलूंगा। कर दे हर सपना सुकन्या सुकन्या सुकन्या।